झारखंड विधानसभा भवन में नमाज कक्ष का आवंटन करने, राज्य की नई नियोजन नीति में मगही, अंगिका व भोजपुरी सहित कई अन्य भाषाओं को हटाने, स्थानीय नीति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के रुख सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर गठबंधन सरकार में सहयोगी कांग्रेस के विधायक खुद को बहुत सहज नहीं पा रहे हैं। वे किसी मुद्दे पर सरकार का खुलकर विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों के कारण पार्टी को भविष्य में होने वाले संभावित नफा नुकसान को लेकर उलझन में जरूर है। भाजपा ने जिस तरह से इन मुद्दों पर खासकर नमाज कक्ष के आवंटन को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है, उससे भी कांग्रेस दबाव में है। कांग्रेस के अंदर भी अब विरोध के स्वर फूटने लगे हैं। कांग्रेसी विधायक व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कह रहे हैं कि विधानसभा भवन में आवंटित कमरा नमाज कक्ष नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए लोगों के लिए प्रार्थना कक्ष है और वे खुद भी उसमें जाकर प्रार्थना करेंगे। मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ जैसे मुखर रहे, उससे इस मुद्दे पर टकराव बढ़ सकता है। सत्ता पक्ष बिहार विधानसभा में नमाज कक्ष होने का हवाला देकर भाजपा पर हमलावर है, तो वहीं जेएमएम और कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि बिहार में तो एनडीए की सरकार है, भाजपा वहां इस व्यवस्था को खत्म करवाए। हालांकि बिहार में भी नमाज कक्ष के आवंटन का कोई लिखित आदेश सामने नहीं आया है। जेएमएम और कांग्रेस ये भी तर्क दे रहे हैं कि राज्य गठन के बाद भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय से ये व्यवस्था चली आ रही है और भाजपा बेवजह से तूल देकर सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। अब देखना होगा कि ये मामला आगे कितना जाता है और कांग्रेस की उलझने कितनी बढ़ जाती हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।